सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली के थाना ओखला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो ओखला, सरिता विहार व अमर कॉलोनी इलाके में नाबालिग बच्चों से चोरी की वारदातों को अंजाम दिलाता था। हाल ही में इस गैंग ने ओखला फेज वन की एक फैक्ट्री में देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 19 वर्षीय सपन, कबाड़ी रईसुद्दीन और 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 4 बिना टूटे एसी आउटडोर यूनिट, 1 रिक्शा और तार काटने के रिंच, हैकसो आदि जब्त किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी से चोरी के 10 मामले सुलझ गए हैं। दक्षिण पूर्व जिला डीसीपी ईशा पांडेय ने बताया कि दिनांक 18 फरवरी 2022 को थाना ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में राजीव खुराना ने शिकायत दी कि वो D92/4 ओखला फेज वन में भाई पैकेजिंग के नाम से बिजनेस करते हैं। देर रात उनके ऑफिस से 4 एसी आउटडोर यूनिट चोरी हो गए हैं। हमारी फैक्ट्री में चोरी हो गई थी, तो हमने सुबह 9 बजे जब फैक्ट्री खोली तो वहाँ से 4 एसी के आउटर यूनिट गायब थे। ये पूरे ओखला में कोई तकरीबन 400 एसी के करीब चोरी हो चुके हैं और लोग कोई शिकायत नहीं लिखवाते। रीजन बीइंग के सब व्यापारी आदमी हैं और कोई भी इस रफड़े में पड़ना नहीं चाहता। हमने जब थाने में जाके कंप्लेंट करी तो काबिले तारीफ है कि SHO साहब ने इमीडिएट एक्शन लिया, JK सिंह जी ने, और उन्होंने अपनी टीम मेम्बर विशाल और विनीत, 2 लड़कों को लगाया और उन्होंने शाम तक केस सॉल्व कर दिया। FIR भी हमारे को ऑफिस में ही मिली इमीडिएट, और अखिलेश जी ने भी बहुत मेहनत करी इस केस के अंदर, जो ASI हैं, और शाम तक इन्होंने सॉल्व केस कर दिया। अगले दिन अरेस्ट कर लिए थे आदमी सारे, रात को जा अगले दिन अरेस्ट हो गए थे। इसके लिए मैं सीरियसली मिस्टर JK सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम करा, और मेन थैंक्स आई वॉन्ट टू से टू मिसिज ईशा पांडे, वो इमीडिएटली ऑर्डर्ड फॉर एन FIR एंड एक्शन, एंड द एक्शन वॉज डन इमीडिएटली। आई एम सीरियसली एंड एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द DCP एंड द एंटायर टीम। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना प्रभारी JK सिंह ने तुरंत FIR संख्या 259/2022 अंडर सेक्शन 380/457 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। दक्षिण पूर्व जिला DCP ईशा पांडेय ने चोरों को दबोचने के लिए ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना प्रभारी JK सिंह की सुपरविजन व SI राजेश कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल विनीत और कांस्टेबल विशाल की एक क्रेक टीम का गठन किया। SI राजेश कुमार ने सबसे पहले ऑफिस में लगे CCTV फुटेज को खंगाला। CCTV फुटेज में 18 फरवरी 2022 की देर रात 3:27 पर चोरी की वारदात को अंजाम देते 4 लड़के दिखाई दिए। आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार देर रात चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पहले रिक्शा खड़ा करते हैं, फिर ऑफिस की दीवार पर चढ़कर AC के आउटडोर यूनिट को तोड़कर रिक्शे में रखकर फरार हो जाते हैं। CCTV फुटेज में चोरी की वारदात तो कैद हो गई थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण चोरों की पहचान नहीं हो पा रही थी। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना प्रभारी JK सिंह की सुपरविजन में SI राजेश कुमार की जाँच टीम ने हिम्मत नहीं हारी। SI राजेश कुमार ने CCTV फुटेज में कैद चोरों की फोटो का प्रिंट आउट निकाला और तमाम रेड़ी पटरी वालों और सिक्योरिटी गार्ड से चोरों की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछताछ की। फोटो धुंधली थी, इसलिए चोरों की पहचान नहीं हो सकी। 18 फरवरी 2022 की रात 3:27 का क्राइम सीन के आसपास का मोबाइल डंप डाटा स्कैन किया गया। डंप डाटा में क्राइम सीन पास कुछ सस्पेक्ट मोबाइल एक्टिव दिखाई दिए। एक्टिव मोबाइल की लोकेशन क्राइम सीन से एक कबाड़ी की दुकान तक जा रही थी। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना प्रभारी JK सिंह को पूरा शक था कि चोरों ने AC के आउटडोर यूनिट चोरी करके इसी कबाड़ी को बेचे होंगे। जांच टीम ने मुखबिरों की मदद ली और कबाड़ी पर नजर रखने को कहा। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना प्रभारी JK सिंह का शक सही निकला। मुखबिरों से पता चला कि चोरी किए AC के आउटडोर यूनिट इसी कबाड़ी ने खरीदे हैं। इन्फॉर्मेशन कंफर्म होते ही छापेमारी कर कबाड़ी को दबोच लिया। कबाड़ी की पहचान ओखला फेज वन निवासी रईसुद्दीन पुत्र बशीर के रूप में हुई। कबाड़ी रईसुद्दीन की निशानदेही पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले ओखला फेज वन निवासी 19 वर्षीय सपन पुत्र लेफ्टिनेंट आशिम और 3 नाबालिगों को उनके घर से दबोच लिया। इनके पास से चोरी के 4 बिना टूटे AC आउटडोर यूनिट, 1 रिक्शा और तार काटने के उपकरण रिंच, हैकसो आदि बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी से थाना ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की 6 अमर कॉलोनी थाने की 2 और सरिता विहार थाने की 1 चोरी की वारदात सुलझ गई है। चोरी का सामान खरीदने वाला कबाड़ी रईसुद्दीन ओखला फेज वन में कबाड़ी की दुकान चलाता है। इसने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की है।
नाबालिगों का गैंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला आरोपी 19 वर्षीय सप्पन पुत्र लेफ्टिनेंट आशिम ओखला फेज वन में रहता है। इसने 8वीं तक पढ़ाई की है। आजीविका कमाने के लिए इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया कड़ी नजर खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।